धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, क्योंकि ये है इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। जनपद संभल के धनारी थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटकी मिली प्रेमी युगल की हत्या का खुलासा। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी गुन्नौर डॉक्टर के सरोज के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र पाल भड़ाना धनारी ने मैं पुलिस टीम के मुखबिर की सूचना पर ग्राम गढ़ा के ग्रन जंगल से प्रेमी युगल की हत्या करने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि 1 जुलाई को धनारी थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ा के जंगल में युवक और युवती की लाशें पेड़ से टंगी हुई मिली थी, जो कि संदिग्ध प्रतीक हो रही थी, जिसके लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई थी, जिसने मुखबिर की सूचना पर ग्राम गढ़ा के जंगल से चार अभियुक्तों विनीत उर्फ लाला, किशोरी शोराज, जगपाल उर्फ मुल्ला जी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने 2.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पूछताछ में विनीत ने बताया कि 25 जून को बंटी मेरी बहन को लेकर भाग गया था तथा गांव में खेत में छिपा हुआ था, जिसे जगपाल ने खेत में देख लिया था और आकर मुझे बताया, जिसके बाद हमने दोनों की हत्या करने की योजना बनाई और दोनों को मार दिया। लेकिन इन दोनों की हत्या करते समय मेरे छोटे भाई ने देख लिया था और इसका विरोध किया था। उस समय तो हम लोगों ने इसे समझा बुझा कर घर भेज दिया, लेकिन कुछ दिन उसे भी जंगल में बहाने से ले जाकर उसकी भी हत्या कर दी थी और उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके भी चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया। बाकायदा बताया कि घटनाक्रम को इन्होंने सिर्फ इसलिए अंजाम दिया कि वो लड़के की शादी होने वाली थी और उनकी बहन को लेकर के फरार हो गया था। इसी क्रम में जो लड़की का एक दूसरा भाई है उसकी भी बॉडी मिली है, जिसका नाम कुलदीप उर्फ सूखा है, उसकी भी सेम कंडीशन में पेड़ से लटकी हुई और सुसाइड क्लेम करते हुए बॉडी मिली है। जब उसके बारे में भी गहन पूछताछ किया गया तो इन चारों लोगों ने रिवील किया कि वो लड़का, जब इन लोगों ने इन लड़के और लड़की की हत्या की तो वो बड़ा परेशान हो गया और वो इसको अपोज कर रहा था, विरोध कर रहा था कि मत हत्या करो, मेरी बहन की हत्या मत करो, जिस कारण इन लोगों ने मिल करके उसकी भी हत्या कर दी और उसको भी एक सुसाइड का जामा पहना दिया और पेड़ से लटका दिया। इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो मर्डर था और वो रिवील हुआ है और इसको सुसाइड का एक रूप देने का प्रयास किया गया था। अब ये पूरा केस वर्कआउट हुआ है, इसमें चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं। जो सौदा जगपाल ने 2.5 लाख रुपए में तय किया था पैसा लेकर के हत्या करने का, वो 2.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और ये गमछा और रस्सी भी बरामद हुई है मौके से, वो ब्लेड जिससे बाल काटा गया था और बाल का अंश भी बरामद हुआ है वहाँ से, और पीने के जो बोतल थे, दारू की जो बोतल थी वो भी बरामद हुई है वहाँ पे। तो सभी चीज़ें जो सरकमस्टांशियल एविडेंस थे, मौके के जो एविडेंस थे, वो सब मिले हैं और उसके आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके अब विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।